दोस्तों, हमारे भारत देश की हर कहानी के पीछे कोई ना कोई इतिहास या कोई राज छुपा हुआ है। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी बात बताऊंगा जिसे सुनकर आप लोगों को खुशी भी और आश्चर्य भी होगा कि क्या सच में ऐसा हो सकता है। बस दोस्तों, आप लोगों से इतनी गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, हमारे भारत देश में कई ऐसे नेता और राजा पाए जाते हैं जिनका हमारे भारत देश में जन्म उत्सव यानी आम तौर पर कहें तो जयंती बड़े ही महान उत्सव से मनाई जाती है। मान लीजिए पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए, महात्मा गांधी हुए और अन्य भारतीय नेता हुए। इन सभी की जयंतियों को हमारे भारत देश में बड़े ही धूमधाम और बड़े ही प्यार से मनाते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप लोगों ने ये जानने की कोशिश की है कि हमारे भारत देश में तो इन नेताओं की जयंतियों को मनाया जाता है, लेकिन भारत से अलग दुनिया के कितने देशों में इन लोगों की जयंतियों को मनाया जाता है? दोस्तों, भारत देश में और विश्व में केवल एक ही महान पुरुष हैं जिनकी जयंती को दुनिया के 100 से भी अधिक देश मनाते हैं और उनका नाम है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोस्तों, हर साल 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती को मनाया जाता है। हमारे कहते हैं कि इतिहास में 14 अप्रैल की तारीख दलित समाज के लोगों के लिए किसी मसीहा के जन्मदिन से कम की नहीं है। दोस्तों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपने पूरे जीवन में केवल एक ही काम किया, वो था समाज सुधारक का काम। यानी जिन लोगों पर अत्याचार किए जाते थे उन लोगों को रिहाई दिलाना और जिन लोगों को गुलाम बनाकर और अछूत बनाकर रखा जाता था उनको आज़ाद कराना, ये काम डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपने ही सामने किया था। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी पूरे विश्व में मात्र एक ऐसे इकलौते इंसान हैं जिनकी जयंती को दुनिया के 100 से भी अधिक देश धूमधाम से मनाते हैं। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान।